यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. सलग दोन रात्र यशवंत सिन्हा शेतकऱ्यांसह अकोल्यामधल्या पोलीस मुख्यालयामध्ये ठिय्या मांडून बसले. गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकरी आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत. अकोल्यामध्ये सध्या हे आंदोलन सुरू आहे आणि या ठिय्या आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. सिन्हा यांच्या आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी अनेक शेतकरी त्यांच्या पाठिंब्यासाठी तिथे आहेत आणि आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आपण इथे आंदोलन करणार आहोत, ठिय्या मांडून बसणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलंय. आणि या संदर्भात सध्या चर्चा करण्यासाठी आपल्याबरोबर स्वतः माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते यशवंत सिन्हा या बातमीपत्रामध्ये आपल्या बरोबर आहेत चर्चेसाठी. यशवंत सिन्हा जी, आपका स्वागत है ये बुलेटिन में. सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि आपकी साथ में 6 मांगे पूरी की गई है, क्या आपको ये दलील मंजूर है? नहीं, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो आज नहीं हम लोगों ने 50 दिन से ऊपर पहले यहाँ उठाया था, वो उठाया था कि जो फसलें जैसे सोया है या उड़द है या मूंग है, जिसका सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, उसको नाफेड जो सरकारी एजेंसी है वो समर्थन मूल्य पर वो पैदावार खरीद ले जो किसान ने उपजाया है. ये बहुत साधारण सिंपल बात है कि अगर हमने 2 क्विंटल उपजाया है तो 2 क्विंटल वो हमारा खरीद लें. अगर वो कहें कि नहीं हम 1 ही क्विंटल खरीदेंगे तो फिर समर्थन मूल्य का कोई मतलब नहीं रहता है, बिकॉज 1 क्विंटल को किसान को जाकर मार्केट में बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा. तो इसलिए जब मैं यहाँ पहली बार आया था यहाँ के किसानों के निमंत्रण पर, तो उसी समय मैंने कहा था कि नाफेड को ये सिस्टम बदलना चाहिए और किसान की जो पैदावार है उसको पूरा का पूरा खरीद लेना चाहिए समर्थन मूल्य पर. तो ये मांग हम लोगों ने इस बार भी दोहराई, और भी कई मांगे थी. सरकार ने विचार करने के लिए बाकी 6 मांगे जो हैं उसके बारे में तो सहमति जताई है, लेकिन ये जो मांग है इसके बारे में वो कह रहे हैं कि भारत सरकार के साथ टेकअप करना पड़ेगा. तो भारत सरकार के साथ टेकअप करना पड़ेगा तो पहले से इस मांग को हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने. अभी 3 दिन हो गए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके चलते 3 दिनों में इस साधारण से प्रश्न पर फैसला नहीं हो सकता है? और दूसरी बात जो है वो ये है कि मुझे बताया गया है कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था है कि नाफेड जो खरीदेगी वो खरीदेगी, बाकी किसान की जो पैदावार है या किसान को हम चॉइस देंगे कि वो नाफेड को बेचे या स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन है उसको बेचे. वो भी अपना केंद्र खोल के बैठी अगर रहे जो स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन है तो किसान वहाँ भी बेच सकता है. ये राज्य सरकार को तय करना है, इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है. तो हम महाराष्ट्र शासन से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर एक जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे और किसानों को जो राहत आवश्यक है इस मामले में वो उपलब्ध कराएंगे. आप जानते हैं कि यहाँ किसान कितनी मात्रा में खुदकुशी कर लेते हैं, वो कर्ज लेकर खेती करते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, कीमत प्राप्त नहीं होती है, कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. तो ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ ये सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए आवश्यक है कि इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और फैसला करे. जी बिल्कुल सिन्हा सर, दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सारी विपक्षी पार्टियां आपके समर्थन में आई है. अशोक चव्हाण आपसे मिले, पवार जी से आपकी बात हो गई, उद्धव ठाकरे जी से आपसे बात हो गई, यहाँ तो आप ही की पार्टी सरकार में है, सरकार की तरफ से कोई संपर्क हुआ है अभी तक? देखिए, आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है. ये मैं इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसकी पार्टी की सरकार है और मैं किस पार्टी का हूँ. मैं यहाँ पार्टीबाजी करने नहीं आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया हूँ. यहाँ के किसानों ने मुझे बुलाया, उनके बुलावे पर मैं यहाँ आया, उनकी समस्या से रूबरू हुआ और समस्याओं के समाधान के लिए जो भी पार्टी सरकार में है उससे हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान करो. इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि पार्टी कौन सी है और कौन
सरकार में है, कोई भी सरकार होती है, तो हम उससे यही कहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान करो। ठीक है, आप राजनीति करने नहीं आए हैं, किसानों के लिए आए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार किसान विरोधी है, ऐसा चित्र विपक्ष की ओर से खड़ा किया गया है, आपको पिछले 3 दिनों में इसके बारे में क्या लगता है? जब कोई आंदोलन चलता है तो हम शक्ल नहीं देखते हैं कि आंदोलन का समर्थन कौन कर रहा है, ठीक है ना, उसके चेहरे का रंग क्या है, गोरा है कि काला है, वो नहीं देखते हैं। जो भी समर्थन करना चाहता है वो समर्थन देने के लिए स्वतंत्र है, हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं आभारी हूँ उन सारी संस्थाओं का और दलों का जिन्होंने इस आंदोलन को अपनी ताकत दी है और समर्थन दिया है। तो इसमें भी मैं आपसे फिर स्पष्ट करूँगा कि हम लोगों की ओर से कोई राजनीति नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक किसानों का आंदोलन है जो यहाँ के किसान कर रहे हैं। हम उसमें अपनी सहभागिता उनके निमंत्रण पर निभाने के लिए आए हैं, केवल इतनी सी बात है। सर, आपको इतने सालों का राजकीय तथा प्रशासन का अनुभव है, आपकी नज़र से फडणवीस के काम में कहाँ खामियां है और उन्हें दूर करने के लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है, क्या आपको लगता है इस बारे में? नहीं, मैं फडणवीस सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उसका कामकाज कैसे चल रहा है। हमारे सामने एक सीमित प्रश्न आज के दिन है और मैं उसी सीमित प्रश्न का उत्तर सरकार से चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये इतनी साधारण सी बात है कि इसमें ज़्यादा लाप लपेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुरंत कोई चाहे मुख्यमंत्री तो 5 मिनट के भीतर इसका फैसला हो सकता है।